एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अश्व गौरी। खबरों की शुरुआत और बड़ी खबर के साथ, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है इस्तीफा। 9 फरवरी को ही भाजपा से इस्तीफा दे चुका हूं, मुझे नहीं मिला प्रेमचंद गुड्डू का इस्तीफा, ये कहना प्रदेश अध्यक्ष का। तो गुड्डू ने अपने पत्र में सिंधिया और सिलावट का जिक्र भी किया है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने उनको भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस भेजा है। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा है कि 9 फरवरी को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो नोटिस का जवाब दिया गया है, 9 फरवरी को ही भाजपा से इस्तीफा दे चुका हूँ, मुझे नहीं मिला प्रेमचंद गुड्डू का इस्तीफा, भाजपा का ये कहना है। गुड्डू ने अपने पत्र में सिंधिया और सिलावट पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है आइए सुनवाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनको प्रेमचंद गुड्डू का इस्तीफा नहीं मिला है। निर्मल सिंह बैस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। निर्मल जी, प्रेमचंद गुड्डू 9 फरवरी को इस्तीफा दे चुके हैं, भाजपा कह रही है कि अब तक इस्तीफा नहीं दिया, नोटिस जारी कर दिया गया। देखिए रश्क, इस्तीफा मिला नहीं मिला ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये साफ जाहिर हो चुका है कि प्रेमचंद गुड्डू ने अब बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, ये इस बात से बहुत ही साफ नजर आता है। और जिस तरीके से नए परिप्रेक्ष्य में चुनावी जमावट हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर जो है प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस का साथ देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में यहाँ पे प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जो पत्र उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने सिंधिया और सिलावट का जिक्र भी किया था। मतलब कुल मिला के ये है कि सिंधिया और सिलावट, मतलब सिंधिया खेमे से प्रेमचंद गुड्डू वैसे ही नाराज चल रहे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र अपने पत्र में भी किया था। चुनाव नजदीक आते आते ऐसे कई समीकरण देखने को मिलेंगे निर्मल जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रश्क आपने, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू जैसा कि अभी आप बता रहे थे, उन्होंने अभी सिंधिया की खासी मुखालफत की, बल्कि इतिहास तक उधेड़ के रख दिया उन्होंने और उनके पुत्र अजीत बोरासी ने। तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस या यूं कहें कि कमलनाथ मुख्यमंत्री निवास पर बैठकर जो रणनीति बना रहे हैं उसको वो कहीं ना कहीं फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके के एक ये भी कांग्रेस की रणनीति बन रही है कि जो दिग्गज नेता हैं, जैसे मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन जो कि पूर्व सांसद रही है, उनको उतारने की योजना बनाई जा रही है। तो कांग्रेस जो कदम अपने उठा रही है और जो सिंधिया इफेक्ट है सिंधिया के छोड़ने का, वो अब कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और जो जमावट है कहना चाहिए 24 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की, वो उसकी गोटियां कहीं ना कहीं सेट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं जी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हमको तो कोई इस्तीफा मिला नहीं है और उन्होंने 7 दिन के भीतर प्रेमचंद गुड्डू से जवाब तलब किया है, नोटिस जारी कर दिया है कि भाई आप तो बताइए कि किस तरह से बयानबाजी आप कर रहे हैं, उसका जवाब मांग लिया है। और यहाँ पे दो टूक, यहाँ पे प्रेमचंद गुड्डू कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा दे चुका भारतीय जनता पार्टी का, मैं मेंबर ही नहीं हूँ, कार्यकर्ता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों जवाब दूँ। बिल्कुल बिल्कुल रश्क, अब ये क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है, वही मैं आपसे कह रहा था कि प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और उनसे जिस तरीके से नोटिस मांगा गया था उसके बाद वह पूरी तरह से वापस कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। ये बात अलग है कि अब उनकी वापसी से किन नेताओं को परेशानी होती है, कितना उनका विरोध होता है वापसी में कांग्रेस आने पर, और कितना कमलनाथ जो है जो कि किसी भी चीज पे है इस समय, तो कितना उसको मैनेज कर पाते हैं जी। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि सावे विधानसभा सीट जो सिलावट को यहाँ पे चुनौती देने की यहाँ पे प्रेमचंद गुड्डू भी कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से आपने मीनाक्षी नटराजन का भी जिक्र किया है, मतलब यहाँ ये नाक का सवाल हो गया है यहाँ पे निर्मल जी, अब सावेर विधानसभा सीट। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य, नाक का सवाल है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो सत्ता छीन के बीजेपी ले गई कांग्रेस की गोद से, उसको वापस लाने का पुरजोर प्रयास यहाँ पर कमलनाथ कर रहे हैं। और एक एक सीट चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण है, खासकर कांग्रेस के लिए,
जो संख्या बल है उसके हिसाब से देखा जाए तो, और क्योंकि बीजेपी को मात्र 10 सीटें चाहिए 24 में से, जबकि कांग्रेस को लगभग पूरी की पूरी 24 की 24 सीटें जीतेगी तब जाके कहीं वो सरकार बना पाएगी। तो कांग्रेस के लिए डू और डाई की स्थिति है, और बीजेपी आधे से ज्यादा अपना काम कर चुकी है, जिस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी वो करके उसने बीजेपी ने कर दिखाया है, महज 15 महीने बाद ही उसने कांग्रेस को सत्ताच्युत कर दिया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास रस्ट इस समय अब सत्ता वापस लाने के अलावा कोई काम नहीं बचाएगी। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, अब उपचुनाव के वक्त बीजेपी छोड़ के अब वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो इस तरह की दल बदल की जो राजनीति है हम कब तक देखेंगे। और साथ ही मुझे बहुत अच्छे से याद है निर्मल जी, जब पूरा सत्ता परिवर्तन हमने मध्य प्रदेश में देखा उस पूरे घटनाक्रम पे, जब कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे लेके पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचते हैं तो वो इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं और कहा जाता है कि स्वेच्छा से दिए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना था। और उसके बाद जब जो बीजेपी का विधायक का जो इस्तीफा है, जब वो लोकसभा जो माफ कीजिएगा विधानसभा स्पीकर अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो भाजपा पूरी की पूरी भाजपा कहती है कि दबाव की राजनीति की गई और दबाव में ये इस्तीफा दिलवाया गया, मंजूर किया गया। अब यहाँ पे प्रेमचंद गुड्डू कह रहे हैं कि भाई मैं तो 9 फरवरी को इस्तीफा दे चुका हूँ, यहाँ पे भाजपा के लिए हमें नोट मिला ही नहीं। तो किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को कोरिलेट करके हम देखते हैं फिर आप? देखिए बहुत साफ जाहिर सी बात है, जो मौजूदा राजनीति और जो संख्या बल विधायकों का चल रहा है मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से कहना चाहिए, तो ये है कि सत्ता जो है, सत्ता को पाना और उसे पचाना दोनों बहुत मुश्किल काम है। सत्ता पा लेना अब अलग बात है, उसको मेंटेन करके रखना अब दूसरी बात नजर आ रही है। और जिस तरीके की चुनौतियां 15 महीने में कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार ने भुगती हैं, अब वो वही चुनौतियां, असंतोष की चुनौतियां, पार्टी छोड़ जाने की धमकी की चुनौतियां, ये सब जो इन सबसे बीजेपी दो चार में हो रही है। बने रही है। इस वक्त हमारे साथ इंदौर से सहयोगी विकास सिंह सोलंकी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या घटनाक्रम वहाँ पे इस वक्त देखने को मिल रहा है। विकास, प्रेमचंद गुड्डू ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं, कह रही है कि 7 दिन के भीतर नोटिस का जवाब दे। जी निश्चित रूप से जिस तरह से प्रेमचंद गुड्डू ने तुलसीराम सिलावट और जो सिंधिया को लेकर बयानबाजी की थी उसके बाद जो है उनको नोटिस समाया गया था, उसके बाद उन्होंने अपना जो एक लेटर सोशल मीडिया पर जारी किया है उसके अंदर लिखा गया है कि वो पहले ही 9 तारीख के दिन ही अपना इस्तीफा दे दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे किस मुद्दे को लेकर अब उन्हें नोटिस का जवाब मांग रही है। और उन्हें कहा है कि जनता के साथ जो है छलावा किया है। अगर बात करें कोरोना महामारी के बीच जो उपचुनाव होना है और प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है उसके अंदर सावेर विधानसभा के अंदर जो उपचुनाव होना है उसकी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। अगर बात करें प्रेमचंद गुड्डू की तो प्रेमचंद सावेर विधानसभा, क्योंकि प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और सावेर अब नाक का सवाल हो गई है। यहाँ से जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन को उतारने की भी कवायद की जा रही है, प्रेमचंद गुड्डू पहले भी कह चुके हैं कि चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े लेकिन लड़ूंगा, कितना प्रभाव प्रेमचंद गुड्डू का देखने को मिलता है? अगर उनको कांग्रेस पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो क्या समीकरण बनते हैं, और अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा जाता है तो क्या समीकरण बनते हैं? सिलावट के लिए कितनी मुश्किलें यहाँ पे सामने देखने को मिल रही हैं? निश्चित रूप से अगर प्रेमचंद गुड्डू को अगर कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो जो दलित वोट बैंक है, जो गांव के जो किसान है, उनसे कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो प्रेमचंद गुड्डू है पूर्व में उज्जैन से सांसद रहे थे, वो सावेर विधानसभा उसके पास में ही है, उनका आवाजाही यहाँ पर रहती थी, उनके जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में सावेर विधानसभा के अंदर है, तो उन्हें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। या उनकी जो वोट बैंक है दलित वोट बैंक को अगर वो साथ देते हैं तो दलित वोट बैंक के सारे वो जीत की उम्मीद लगा सकते हैं। और अगर निर्दलीय तो निर्दलीय में जो उनके कार्यकर्ता है, सिर्फ कार्यकर्ता होते रहेगा, अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो उनकी कुछ ना कुछ जो है वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए निर्मल जी, क्योंकि अभी मुश्किल से 2 दिन का भी वक्त पूरा नहीं हुआ है। सावेर विधानसभा क्षेत्र से ही तुलसी सिलावट 6 कांग्रेसी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हैं, और अब जिस तरह से गुड्डू मोर्चा खोल के खड़े हो गए हैं, बैठ गए हैं, और उन्होंने बता दिया है कि भाई राह आसान नहीं है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए रश्क, ये जब भी चुनाव का मौसम आता है तो राजनीतिक दलों की ही भाषा में कहें तो ये कचरा साफ करने का मौसम आता है जी। और चूंकि कांग्रेस ने खुद भी पहल की है,
जो सिंधिया समर्थक जो विधायक पूर्व विधायक हैं उनके जो समर्थक उनको बाहर निकालने का निष्कासित करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी पहले से ही शुरू कर चुकी है। इसके बाद जो है यही सारी चीजें देखते हुए तुलसी सिलावट ने अपने जो समर्थक हैं उनको बीजेपी ज्वाइन करा दी, जिससे चुनाव के समय किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति नहीं रहे। जब जो कांग्रेस के जो समर्थक तुलसी सिलावट समर्थक हैं वो चुनाव मैदान में उतरे तो उन पर ये विदर्भात का आरोप ना लगे। तो एक फायदा तो ये होता है इस तरीके से समर्थकों के साथ स्थिति को साफ कर देना कि अब हम बीजेपी आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन है। विजयवर्गीय साहब बहुत स्वागत है और शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पे प्रेमचंद गुड्डू कह रहे हैं 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया है भाजपा पार्टी ने और उनको नोटिस जारी किया है, तो कह रहे हैं कि मैं क्यों जवाब दूं। देखिए अभी तक भाजपा के पास तरीके कोई जानकारी नहीं थी। हाँ। और अब कम प्रेमचंद गुड्डू जो है वो किसी भी तरह का लेटर दिखाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि अगर उनका कुछ मंसूबा है और वो टिकट के लिए कहीं नेगोशिएट कर रहे हैं तो फिर वो कोई भी बयानबाजी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो आए थे, कांग्रेस के नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी दिया लेकिन चुनाव हार गए, पहले कांग्रेस से भी चुनाव हार चुके हैं। अब ऐसे में टिकट की आशा में जो लोग इधर से उधर होते रहते हैं संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहां है वहां उनको बयानबाजी संभल के करना चाहिए। जब तक पार्टी में है अगर वो कह रहे हैं पहले इस्तीफा दे दिया तो पार्टी को इस तरह कोई इस्तीफा नहीं मिला था। अब वो बात अपनी पार्टी के समक्ष कहते हैं, उसके बाद पार्टी का प्रदेश नेतृत्व कहेगा अधिकारी। साथ ही विजयवर्गीय जी जिस तरह से यहाँ पे प्रेमचंद गुड्डू का ये भी कहना है कि मतलब उन्होंने तुलसी सिलावट के साथ साथ सीधे सीधे सिंधिया परिवार पर भी हमला बोला, उन्होंने कहा है कि सिंधिया परिवार के ही खून में गद्दारी है और मैं आखिरी दम तक मतलब सच्चाई के साथ रहूंगा। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है वो हर पार्टी में चलता रहता है, कहीं ना कहीं तमाम चीजें रहती हैं, लेकिन अगर इस तरह से बगावती सुर अगर रहते हैं तो किस तरह से अब आप उपचुनाव की आप लोग तैयारी करेंगे? फिर देखिए ऐसा है, प्रेमचंद गुड्डू का कितना आधार है ये वो कांग्रेस में भी देख चुके हैं, भाजपा में भी देख चुके हैं, किसी तरह टिकट कबाड़ लेना ये उनकी आदतों में शुमार है। और वो कांग्रेस में भी टिकट लेके हार चुके हैं, भाजपा में भी टिकट लेके हार चुके हैं, मैं नहीं समझता कि जनता के बीच इनका कोई आधार बचा है। रही बात बयानबाजी की, तो वो शिवराज सिंधिया ज्योतिराज सिंधिया जी के खिलाफ कोई बयानबाजी करें इतना प्रेमचंद गुड्डू का भी कोई कद नहीं है। जो आदमी आज पार्षद का टिकट जीतने की स्थिति में भी नहीं हो और केवल कांग्रेस के टिकट की आशा में इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहा हो, मैं समझता हूँ उनको अपने घरे में झांकना चाहिए। भाजपा ने उनको मनोवांछित, विजयवर्गीय जी जब उनका जनाधार ही नहीं था तो जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो बीजेपी ने उनको फिर क्यों टिकट दिया? नहीं, हमने ये मानते हुए टिकट दिया था कि उनका जनाधार होगा, लेकिन अब उनका जनाधार नहीं है। अब ऐसे में वो दोनों पार्टी उस टिकट ले चुके हैं, हार चुके हैं और उसके बाद अब टिकट के लिए फिर से बयानबाजी कर रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियां इस तरह से नहीं चलती। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जो 22 समर्थक सिंधिया के हैं उनको टिकट दिया जाएगा, उपचुनाव में उनको ही उतारा जाएगा? नहीं, टिकट में तो उनको उतारा ही जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह कभी सड़क पर बयानबाजी नहीं करता है और इसीलिए उनको नोटिस जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के उचित फोरमों पर फैसला लेती है और पार्टी के कार्यकर्ता उन फैसलों का अनुपालन करते हैं। ऐसे में अगर कोई उस पार्टी की सीमा का उल्लंघन करता है स्वाभाविक तौर पर उसको नोटिस जारी होता है, जो नोटिस प्रेमचंद गुड्डू को जारी हो गया है। अब उस नोटिस के बाद अगर वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं या कुछ और बात है, तो पार्टी के संज्ञान में अब तक वो बात नहीं थी और पार्टी अब जो कुछ कह रहे हैं पार्टी नेतृत्व सोचेगा उस समय। नहीं तो आपके तो कई ऐसे जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो हम लोगों को भी खबर है पूरे आप भी देख रहे हैं कि तमाम मीडिया ये इस चीज को बता भी रहे हैं, पेपरों में भी आ रहा है कि जिस तरह से जो तरजीह सिंधिया समर्थकों को दी है, मंत्री बनाया गया है, जो आपके जो दिग्गज जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके उनको तरजीह नहीं दी, तो वो जो सीनियर लाइन है वो भी नाराज चल रही है, उनके भी नाराजगी वक्त वक्त पर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और अपने विचार के लिए काम करते हैं। आज मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है उसके लिए उन 22 विधायकों ने काफी बलिदान दिया है। वो तो विधायक थे, वो उनमें से 6 लोग मंत्री भी थे, उन्होंने वो छोड़ दी क्योंकि वहाँ पर ना तो लोकतंत्र सुरक्षित था, ना लोगों का सम्मान सुरक्षित था और ना कांग्रेस की सरकार विकास कर रही थी।
ठीक, अब वो बलिदान देकर आए हैं तो उनकी बलिदान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत अच्छी बात की आपने कि उनका ना तो लोकतंत्र सुरक्षित था और ना जिस तरह से जो बलिदान दिया है उसका रिजल्ट तो उनको मिलना ही है। हालांकि हमारे साथ निर्मल जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। निर्मल जी, आप सीधे दीपक विजयवर्गीय जी से सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यही जो है चाहेंगे दर्शक हमारे कि बीजेपी आखिर इतनी कहना चाहिए चार चरित्र और चेहरे वाली पार्टी रही है, तो महज सत्ता के लिए इस तरीके के लोगों को क्यों आयोजित कर लेती है जिन्हें लोग विभीषण भी कहते हैं, और बाद में फिर वही एक तरह से चाहे अभी जिस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू का जिक्र हो रहा था, इस तरीके के लोग जो हैं वो पार्टी के लिए बीजेपी बड़ी संगठन के लिए मजबूत सशक्त जानी जाती है, तो ऐसे लोग जो जिनको तोड़ के बीजेपी लेके आती है सत्ता के लिए, वही जो है जब वक्त आता है तो फिर वो परेशानी पार्टी के लिए खड़ी कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी केवल 8 सदस्यों से बनी थी और आज हमारे 16 करोड़ से ज्यादा सदस्य, हमारी तो ऐसी आकांक्षा है कि देश भर के सारे 135 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बने, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, और नए लोगों को जोड़ने की इस प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो केवल राजनीतिक आकांक्षा टिकट के कारण जुड़ते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि साहब केवल टिकट की वजह से जुड़ रहे हैं, प्रेमचंद गुड्डू जी या कोई और हो, वो ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों और भाजपा की सरकार की विकास की नीतियों से जुड़ना चाह रहे हैं। अगर उनमें कोई आधार होता है, उनकी हमको लगता है कि वो भाजपा के लिए उपयोगी होंगे, तो हम उनको शामिल भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। जनता के बीच कई बार ऐसे लोग खारिज कर दिए जाते हैं, तो ये उसका फ्रस्ट्रेशन इनको नहीं होना चाहिए। रही बात आज की परिस्थितियों की, तो मध्य प्रदेश में आज जो 22-24 जगह चुनाव होने जा रहे हैं वो अलग परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो लूट खसोट की सरकार बनी थी, जिससे हर चौराहे को लूट का अड्डा बना दिया गया था, जहां पर सरकार के मंत्री खुद उमंग सिंघार जैसे मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया था कि वो दलालों के सरगना बने हुए हैं, रेत की दलाली हो रही है, बहुत सारी दूसरी चीजों की दलाली हो रही है, शराब के कारोबारों में दलाली हो रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे थे ये। तो इन सारी बातों से आगे जाकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और एक उनमें से 6 लोग मंत्री थे, 22 लोग विधायक थे, और उन्होंने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया, विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद भी छोड़ दिया। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए और लोकतंत्र के लिए उन्होंने बड़ा बलिदान दिया है, ये दूसरी परिस्थितियों से अलग है। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है विजयवर्गीय जी कि उनका बलिदान भारतीय जनता पार्टी हमेशा याद रखेगी और रखना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सत्ता काबिज करवाने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। आपने अभी जिक्र किया कि भाई ऐसे लोगों को अवसरवाद की राजनीति नहीं करना चाहिए, आपने कहा कि लूट खसोट इन 15 महीने में होती रही। तुलसी सिलावट जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और जो वर्तमान सरकार में भी मंत्री हैं, वो ही अपने पुराने विभाग की जांच करेंगे, मतलब आप मान रहे हैं कि तुलसी सिलावट जब कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तो वो उस विभाग में रहते, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। देखिए, तुलसी सिलावट जी या दूसरे लोग हों, वो सब उस सरकार में भी मांग उठाते रहे कि सरकार ठीक तरह से चलना चाहिए। कमलनाथ सरकार के अंतर्द्वंद यही थे कि वहां पर कुछ मंत्रियों की सुनवाई हो ही नहीं रही थी, यहां तक कि आज कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने खुद कमलनाथ सरकार पर मंत्री रहते हुए आरोप लगाए थे कि इंदौर किसके इशारे पे चल रहा है हमको नहीं मालूम। तो कांग्रेस की सरकार के आज भी जो कांग्रेस के मंत्री हैं उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाए थे। गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था सारे मध्य प्रदेश को मालूम है, उमंग सिंघार जी ने क्या कहा था सारे मध्य प्रदेश को मालूम है। तो खाली जो 22 लोग छोड़ के आए हैं वो उस स्थिति से असंतुष्ट थे, खाली उनकी बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग कांग्रेस की सरकार से असंतुष्ट थे, क्योंकि लूट खसोट की जो सरकार कांग्रेस की चल रही थी वहां जनता को कोई महत्व नहीं था, कांग्रेस के नेताओं को भी कोई महत्व नहीं था, और इसीलिए उनमें से 22 लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। लेकिन आपको ये तो याद होगा ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कहा था। ऐसा है कि राजनीति में जब हम भाषण देते हैं तो बहुत सारे भाषणों में बातें करते हैं, लेकिन तमाम अनुभवों के बाद मैं जैसे दीपक विजयवर्गीय आज जो कह रहा हूँ आज तक के अपने अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ, तो उनको जब सारी चीजें लगी कि जो कुछ उन्होंने कांग्रेस में देखा है, जो कुछ उन्होंने भाजपा में देखा है, जो कुछ दुनिया में देखा है, उसमें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही देश को आगे बढ़ा सकती है, तो उन्होंने आज फैसला लिया। अब आज से निश्चित तौर पर 10 साल पहले उन्होंने कोई बात कही होगी तो उनका अनुभव कम था, आज वो जिस नतीजे पहुंचे हैं वो और ज्यादा परिपक्वता का फैसला है, और इसीलिए उनके साथ 22 लोग और भी भाजपा में शामिल हुए जो कांग्रेस कद्दावर नेता रहे हैं, 22 लोग विधायक रहे हैं। तो राजनीतिक मेजोरिटी के साथ बहुत फैसले होते हैं,
आज जो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी अब अप्रासंगिक हो चुकी है, देश को आगे बढ़ाने में कोई सहभागिता करनी है तो भाजपा के साथ एक आंदोलन के रूप में जुड़ना होगा, वो लोग जुड़े, भाजपा के विचार से जुड़ते हैं, भाजपा के सिद्धांतों से जुड़ते हैं, नीतियों से जुड़ते हैं, भाजपा के मूल्यों से जुड़ते हैं, और भाजपा के साथ जब एकाकार हो जाते हैं तो देश के आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता करते हैं। लेकिन जब खाली कोई टिकट के लिए ऐसा करेगा तो कई बार निराशा हो सकती है, क्योंकि टिकट लेना और जीतना और हारना केवल कुछ महीनों का खेल होता है, ठीक है, लेकिन राजनीति सारी जीने की एक आंदोलन की तरह की काम होता है। लेकिन सर आजकल आंदोलन की तरह राजनीति हो कहाँ रही है? कौन सा दल ऐसी राजनीति कर रहा है? कौन सा दल, कौन सी पार्टी जनता के बारे में सोच रही है? आप कह रहे हैं कि मतलब अवसरवादी राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अवसरवाद की राजनीति की जाती है। अगर अवसरवाद की राजनीति नहीं की जा रही होती तो मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही थी वो यथावत चलती रहती। मध्य प्रदेश में सरकार जैसी कोई स्थिति नहीं थी, राजनीति दूर कसौट के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। जैसा मैंने पहले कहा, आज सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, उमंग सिंघार जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, आज कांग्रेस में ही हैं। उन्होंने क्या बयान दिए थे सरकार की खाद्य प्रणाली के ऊपर, वो खुद कांग्रेस के नेता। सर अगर विजयवल जी, अगर हम इस तरह की बातों में जाएंगे तो फिर दिवंगत हो चुके हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी समय समय पर मोर्चा खोल देते थे कि शिवराज सरकार में सुन लीजिए ना कि ये चल रहा है। कृष्णा गौर जो अभी वर्तमान में विधायक है वो भी कई मर्तबा मुखर होके खड़ी हो गई थी कि तमाम चीजें मतलब सही नहीं चल रही हैं, तो फिर आप इनको किस तरह से देखते हैं? वो भी ये कह रहे थे कि भाई जिस तरह से मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए तो उसमें घपला हुआ है, तो आप बताइए मतलब अगर आपकी पार्टी के लोग अगर ऐसा कहते हैं तो मतलब वो अपनी बात रख रहे हैं, और दूसरे पार्टी के अगर लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं या कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों होते हैं? ऐसा है, पहली बात तो कृष्णा गौर जी ने इस तरह की कोई बात नहीं कही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाबूलाल गौर जी बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे लंबे समय तक विधायक रहे हैं, और कई बार किसी प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी की तो वो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए थी। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो कमलनाथ सरकार से निराशा की वजह से थी, और 15 महीने में लोग पार्टी छोड़ के आ गए। इसका मतलब है कि स्थितियां कितनी गंभीर थी। कोई भी जो सिस्टम होता है, कोई भी व्यवस्था जो होती है, आपका न्यूज चैनल हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, उसकी उसके संचालन में कोई कमी हो सकती है, तो सुधार के लिए लोग सुझाव दे सकते हैं। लेकिन अगर वो गड़बड़ी बदनीयती से की जा रही है तो निश्चित तौर पर विद्रोह उठ खड़ा होता है, लोग छोड़ देते हैं साथ। ऐसी स्थितियां और दोनों चीजों में फर्क है, तो फर्क करना भी मीडिया को समझना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, मीडिया तो फर्क कर लेता है। अभी आपने दो चीजों का उदाहरण दिया, एक मीडिया घराने का न्यूज चैनल का दिया और एक परिवार का दिया। माँ बाप चाहे अपने बच्चे को कितना डांट ले, पटक ले और पीट ले, वो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे माँ बाप के पास नहीं चला जाता कि भाई आप मुझे अडॉप्ट कर लीजिए या मैं आपको अपने बतौर माँ बाप आपका अडॉप्शन कर रहा हूँ। ये नहीं, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रही हूँ, आपकी ही बात का जवाब दे रही हूँ, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। और वाकई में हर न्यूज चैनल, हर क्षेत्र की एक सीमा होती है, हमें पता रहता है कि हम किस सीमा में क्या काम कर रहे हैं, और हम अपनी खबरें प्रमुखता से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम सत्य पर टिके हुए हैं और सत्य ही सबके सामने लेके आते हैं। निर्मल जी, आपका आखिरी सवाल। जी बिल्कुल, डॉक्टर से यही जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो बीजेपी ने जिस तरीके से सत्ता हासिल की है, तो क्या अगर 3.5 साल जो बचे हुए वो जलती भी है तो क्या ये विकास के काम कर पाएगी, या जो असंतुष्टों का, खासकर वरिष्ठों का उभरता रहेगा उनसे घिरी रहेगी? जी डॉक्टर, इस तरह के असंतोष की कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग संतुष्ट हैं और मध्य प्रदेश के विकास को बढ़ाना चाहते हैं। अब आपने देखा ही होगा, 15 महीने तक कमलनाथ की सरकार कहती रही कोई पैसा नहीं बचा है, शिवराज जी ने कोई पैसा नहीं छोड़ा, और अब जैसी हमारी सरकार आई है तो हम पिछले 2 महीने ही किसानों के लिए 1500 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था कर चुके हैं। तो हम तो विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं और हर दिन कर रहे हैं। 15 महीने तक कमलनाथ जी की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। जाहिर तौर पर हमारी प्रतिबद्धता गरीबों के साथ है, हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के साथ है, हमारी प्रतिबद्धता विकास के साथ है, और इसीलिए सब लोगों को साथ लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी जैसे पहले आगे बढ़ती रही है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह के लोग इसकी दुखी जो बयानबाजी आती है जिसका उद्देश्य केवल टिकट के लिए दबाव बनाना है, उसका कोई मतलब होता है? इसका कोई मायने नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार, बाकी इस तरह की राजनीति का कोई मतलब नहीं है। हालांकि
ये दिगर बात है कि जब बाबूलाल गौर के द्वारा दबाव बनाया जाता है तो कृष्णा गौर को टिकट दे दिया जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय वर्गीय जी, बातचीत करने के लिए। निर्मल जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विकास आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही, खबरें लगातार जारी है।